हे गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई बाइक का रिव्यू। नई तो क्या है, बाइक मतलब कि ये सभी पुराने और जो अब की जनरेशन है सबकी दिलों की धड़कन है। इस बाइक को कौन नहीं जानता। जो बाइक है वो हमारी रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 स्टैंडर्ड, क्योंकि जो असली बुलेट है वो इसी बाइक को कहा जाता है। तो अभी हम लेके आए हैं आपके पास इस बाइक का रिव्यू। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। तो जो भी आपको कुछ क्वेरीज वगैरह को कुछ पूछना हो आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। नीचे हमने लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, वहाँ जाकर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। जो बाइक है ये हम स्टार्ट करते हैं इसके पहले फ्रंट से। जो फ्रंट के अंदर है आपको इसके अंदर टायर देखने को मिलेगा 3.25 और 19 का टायर देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको एलॉयज अभी भी देखने को नहीं मिलेंगे, कंपनी स्पोक व्हील्स ही देती है। और अगर हम इसकी बात करते हैं लाइट्स की, तो इंडिकेटर और इसके लाइट्स वगैरह सभी आपको अभी भी एलोजन देखने को ही मिलेंगे। और अगर हम आते हैं इसके ऊपर टैंक के ऊपर, तो जो इसका टैंक है 13.5 लीटर का आपको टैंक देखने को मिलेगा। और मीटर वगैरह में और अपने बटन्स वगैरह में यहाँ पर आपको कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप इसकी 10 साल पुरानी बाइक भी उठाकर देखते हैं तो आपको सब कुछ वही देखने को मिलेगा। बस इसके अंदर क्या है, थोड़ा यहाँ चेंज किया गया है। यहाँ पर अपने क्या है कि ABS का और इंजन का यहाँ पर स्विच दिया गया है, जिससे कि आपको सिर्फ पता लग सकता है कि अगर पेट्रोल वगैरह कम है तो भाई ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा। और इसके अलावा कुछ नहीं है। और सब अगर हम इसकी बात करते हैं इंजन की, तो इसके अंदर आपको 346 सीसी का सिंगल स्पार्क इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपकी पावर जनरेट करता है 19.36 PS। और इसका जो टॉर्क है वो आता है 28 Nm टॉर्क। और इस बाइक के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलता है। अभी तक इस बाइक में ड्यूअल चैनल का ऑप्शन भी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पैसे देकर इसको बाय कर सको। और अगर आप इसके रियर में आते हैं, तो रियर के अंदर जो इसका टायर है, इसका टायर भी साइज फ्रंट वाले की तरह सेम ही साइज देखने को मिलेगा। 3.25 का टायर देखने को मिलता है। और जो कंपनी का एग्जॉस्ट है वो भाई ने इसमें चेंज नहीं करवाया है। और बाइक के बारे में ज़्यादा बताने के लिए कुछ इसमें है नहीं, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो इस बाइक के अंदर जो वाइब्रेशन वगैरह हैं वो अभी बाइक को वैसी ही देखने को मिलेगी आपको। और ये अपने BS6 मॉडल है, जो कि आपको पता लगता है यहाँ से, इसमें यहाँ लिखा मिलता है EFI 350। और ये सिंगल स्पार्क के साथ आता है। पहले क्या था कि जो पुराने सारे मॉडल आते थे वो अपने ट्विन स्पार्क के अंदर आते थे, लेकिन इसके अंदर क्या है कि अब कंपनी ने इसमें काफ़ी चेंजेस वगैरह किए हैं थोड़े, जिससे कि थोड़ा बाइक पोल्यूशन वगैरह कम करती है। भाई बाइक के अंदर आपको ना ही इसके अंदर आपको ऑयल कूल्ड देखने को इंजन मिलता है, इसके अंदर भाई सिर्फ आपको सिंपल एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा। कंपनी ने अभी तक इस बाइक के अंदर कोई खास चेंजेस नहीं किए हैं। 135 mm बाइक की हाइट है, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस है बाइक का, जो कि बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं या ऐसी जगह राइड करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। कंपनी को भाई बाइक में काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो कि इसको कंपनी को भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, लेकिन वही है कि भाई रॉयल एनफील्ड की जो बाइकें हैं वो तो सिर्फ नाम से ही दिखती हैं। इसके अंदर अभी आपको दो मॉडल देखने को मिलते हैं। एक 350X आता है, जो कि आपको सेल्फ स्टार्ट मॉडल, जो सेल्फ स्टार्ट देखने को मिलता है, लेकिन उसके अंदर आपको ये कलर नहीं मिलेगा। उसके अंदर बाइक जो आपको पूरी की पूरी ब्लैक देखने को मिलेगी। और एक आपका आता है ये वाला कलर। तो ये वाला जो कलर है ये तो आप देखते ही आ रहे हैं भाई, पुरानी बाइकों से लेकर नई बाइकों तक ये कलर जो है ये तो हमेशा फेवरेट कलर रहा है सबका। और ये जो बाइक है ये तो भाई शुरू से ही सबके दिलों पे राज करती आई है। तो अभी हम इस बाइक को स्टार्ट करते हैं और इसके साउंड सुनते हैं कि भाई बाइक है, बाइक के अंदर साउंड आ रहा है। भाई अभी हमने इस बाइक से अभी एक राइड की है, हमने हिसार से सालासर की राइड की थी, लेकिन भाई वाइब्रेशन जो है इस बाइक के अंदर कोई कम नहीं हुई है। क्लासिक के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं कंपनी ने, उसके अंदर तो वाइब्रेशन भी बहुत कम कर दी है और काफ़ी इसमें अंदर फीचर आपको दे दिए गए हैं, लेकिन इस बाइक के अंदर अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसका देखते हैं कि शायद नेक्स्ट जो मॉडल है वो लॉन्च होने वाला है, तो देखते हैं कंपनी इसमें क्या कुछ चेंजेस करती है। तो जो इसका प्राइस है वो इसका प्राइस पड़ता है आपको ऑन रोड है वो आपको दिल्ली के अंदर एक्स शोरूम देखने को मिलता है 1.87 लाख। अपने हर स्टेट में हर जगह अलग अलग रेट आपको देखने को मिलेंगे जो भी होगा। तो बाइक को आप देख सकते हैं, ये बाइक का साइड लुक हो गया, ये बाइक का फ्रंट लुक है। तो भाई
तो भाई वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो भाई सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो है जितना हो सके आप शेयर करें। और आपको अगर कुछ और बाइक के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।